हेलो एवरीवन, यस्टरडे वी रीड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ डिस्पर्सेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन डिस्पर्सेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। डियर स्टूडेंट, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोलाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। किसके बेस पर? उनके फिजिकल स्टेट, मतलब डिस्पर्सेस और डिस्पर्जन मीडियम के फिजिकल स्टेट पर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्पर्सेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शंस लग रहे हैं उनके नेचर पर हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आवर हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोलाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इसके बेस पर डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के इंट्रैक्शन के नेचर के ऊपर। तो हिसाब से बेटा दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं सॉल्स हैं या कोलाइड। कोलाइड दो टाइप के होंगे। एक पहला है आपका लायोफिलिक, लायोफिलिक सॉल्स इसको बोलते हैं। तो लायोफिलिक सॉल्स, अब देखिए लायोफिलिक सॉल्स में क्या होता है। लायोफिलिक सॉल आपका एक ऐसा सॉल होता है जिसमें क्या होता है, लिक्विड लविंग प्रॉपर्टी होती है। तो आप कह सकते हैं द वर्ड लायोफिलिक implies liquid loving, मतलब ये लिक्विड के साथ क्या करता है, फिक्शन रखता है। ठीक है ना। इस टाइप के कोलाइड में क्या होता है, जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है वो क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम के अकॉर्डिंग ग्रेट अफिनिटी होता है। मतलब डिस्पर्स्ड फेस हमारा डिस्पर्जन मीडियम के साथ आसानी से क्या हो जाता है, मिल जाता है। आप कह सकते हैं इन दिस टाइप टाइप ऑफ कोलाइडियल सॉल द डिस्पर्स्ड फेस has great affinity for the dispersion medium. इसका मतलब ये होता है कि इस टाइप के जो हमारे कोलाइड्स होते हैं उनमें क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम के और ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जो ये कोलाइड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ कोलाइडियल सॉल इज स्टेबल। अच्छा, स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस होता है
इसे आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं डिस्पर्जन मीडियम में से, क्योंकि ये डिसॉल्व हो गया, मिल चुका है। तो आप कह सकते हैं इन सच कोलाइड्स दे डिस्पर्स फेस डज नॉट गेट इजिली प्रिसिपिटेटेड एंड। अच्छा, अब जब इजिली आप इसको निकाल नहीं पाएंगे तो ये क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो आप कह सकते हैं एंड डिसॉल्व्स आर क्वाइट स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या होता है, ये सॉल्व जो हमारा लायोफिलिक सॉल्व होता है ये रिवर्सिबल भी होता है, ठीक है ना। मतलब ये होता है, इसमें कह सकते हैं दिस सॉलिड्स ऑफ सैंड आफ्टर इब्रेशन में भी रिकन्वर्टेड टू दिस सॉल्व स्टेबल बाई सिंपली देम विद द डिस्पर्जन मीडियम। मतलब इसको आप रिवर्स में भी कर सकते हैं, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो इसको आप बोल सकते हैं जो हमारा लायोफिलिक सॉल्व होता है ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है ना। तो सच सॉल्व्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल, ये रिवर्स में हो जाता है, आ सकता है, ठीक है। एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो इनके एग्जांपल कौन कौन से हैं, एग्जांपल में आपके आते हैं सॉल्स ऑफ गम, ठीक है, गम के सॉल्स हो गए, जिलेटिन हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं आपके लायोफिलिक सॉल्ट्स में आते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हमारा डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, वाटर हो, तो आप क्या कहेंगे इसको, इस टाइप के सॉल्ट को हाइड्रोफिलिक सॉल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है हाइड्रोफिलिक सॉल्ट, ठीक है। हाइड्रोफिलिक सॉल्ट कब होगा, जब हमारा डिस्पर्जन मीडियम वाटर होगा, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्या होगा, लायोफिलिक। लायोफिलिक सॉल्ट क्या होता है, लिक्विड लविंग होता है, इट मीन्स ये लिक्विड में आराम से डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। और इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इनका जो वो होता है पावर होता है, ठीक है, एसोसिएशन पावर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब आपके लायोफिलिक हो जाते हैं। और देखिए इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, तो आप इसको रिवर्सिबल सॉल्व भी बोल सकते हैं। दूसरा आता है लायोफोबिक, अब देखिए लायोफोबिक सॉल्व में क्या होते हैं, जो हमारा लायोफोबिक होता है इसका मतलब होता है लिक्विड हीटिंग। तो आप बोल सकते हैं दी वर्ड लायोफोबिक इम्प्लाइज लिक्विड हीटिंग, ठीक है। ये क्या होता है, जो हमारा डिस्पर्स फेस होता है वो डिस्पर्जन मीडियम में थोड़ा कम मिलता है। तो आप बोल सकते हैं इन दिस टाइप of salts dispersed phase has very little affinity for the dispersion medium, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम से थोड़ा कम अट्रैक्ट रहता है
और देखिए स्किप क्या होती है, जो हमारी स्टेबिलिटी होती है इसमें कम हो जाती है, तो लायोफोबिक सॉल जो होता है वो लायोफिलिक सॉल से कम स्टेबल होता है। बोल सकते हैं दीज सॉल्स आर रिलेटिवली लेस स्टेबल देन लायोफिलिक सॉल। ठीक है, ये लायोफिलिक सॉल से कम होता है इसकी वो स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए एक हमारा जो ये साल होता है, इस साल को आप क्या कर सकते हैं, ईजीली क्या कर सकते हैं, प्रिसिपिटेट के रूप में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हीट करके, हीटिंग, और हम कुछ क्या कर देते हैं, सम क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं दीज सॉल्स आर इजीली प्रेसिपिटेटेड ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बाय हीटिंग और बाय शेकिंग। ठीक है ना, तो ये होते हैं। और देखिए ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, ये इरिवर्सिबल होता है। अब एग्जांपल आप दे सकते हैं, तो इनका एग्जांपल अगर हम लिखेंगे तो सॉल्स ऑफ मेटल, मेटल के जो सॉल्स होते हैं वो लायोफोबिक होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा वाटर क्या हो जाए, डिस्पर्जन मीडियम हो जाए, इसको क्या बोलेंगे आप, हाइड्रोफोबिक बोल देंगे। ठीक है ना बेटा, ये हो गया हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, इट मीन्स लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ठीक है ना, तो एक ही बेटा दोनों में डिफरेंस बहुत पूछता है, तो आप जानते रहिएगा डिफरेंस। ठीक है ना बेटा, तो अब बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।